अब इसमें सेकंड आता है जो हमारा रिटर्न इवैल्यूएशन में इससे पहले वाले अभी हमने डिस्कस किया है वो था एसे टाइप, ठीक है। और सेकंड हमने इसमें बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है जो सेकंड इवैल्यूएशन में आता है आपका रिटर्न के अंदर, रिटर्न इवैल्यूएशन में। और आप सेकंड टाइप से कैसे बच्चों का इवैल्यूएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करना होता, एक एप्रोप्रिएट जो आंसर होता है उनको तीन चार जो अनएप्रोप्रिएट आंसर्स होते हैं उनके बीच में से कलेक्ट करना पड़ता है, मतलब उसके बीच में से आपको छांटना पड़ता है। मतलब एक क्वेश्चन होता है उसके तीन चार ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से आपको जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एप्रोप्रिएट आंसर होता है आपको वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने जो विचार हैं उनको एक प्रॉपर वे या एक भाषा एक लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एक सीक्वेंसली या सिस्टमेटिकली आप किसी चीज़ में अपने एक्सप्रेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसकी रेंज हाई भी हो सकती है, मतलब 100 एबव भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी से क्या है अटेम्प्ट किया जा सकता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर पता है तो आपने फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और उसका एक आंसर आपको सामने ऑप्शन में दिख जाएगा, देन आपने उसको टिक कर दिया, तो आप एक सेकेंड या हार्डली 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन को फटाफट से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 200, 100, 150 ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अंदर रखे जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद सही गलत या चिन्ह के अनुसार आप किसी चीज़ में आंसर कर सकते हैं, सही गलत वाले आंसर्स भी होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आंसर्स भी होते हैं इसके अंदर, वो टाइप है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मैरिट और डीमेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मैरिट्स होते हैं, गुण होते हैं, सबसे पहला जो गुण है उसके अंदर मैरिट है वो ये है कि रिलायबिलिटी होती है यानी कि विश्वसनीयता होती है। अगर मान लीजिए आज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आज जो है 10 साल बाद अगर मैं उस क्वेश्चन को पूछूंगी तो 10 साल बाद भी आप वही सेम ऑप्शन चूज़ करोगे, राइट। तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे पूछूं कि कुतुब मीनार कहाँ है तो आज दिल्ली में है तो 10 साल के बाद भी दिल्ली में ही रहेगा, तो वहाँ पे क्या है रिलायबिलिटी आ गई क्वेश्चन के अंदर कि वहाँ पे आंसर में कोई भी चेंज नहीं मिला, ठीक है। तो सबसे बड़ा गुण यही है कि रिलायबिलिटी मिलती है। और सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि जो टीचर इवैल्यूएशन करती है उसमें कोई पक्षपात नहीं करती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती है। अगर जिसका आंसर जो है अगर आपने करेक्ट दिया तो 1 मार्क्स आपका, मतलब वो 1 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता कि मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट है तो मैं उसको 1 मार्क्स दूंगी, और अगर आपने भी सेम आंसर लगाया है और मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं हो आप तो मैं आपको उसमें 0 मार्क्स दूंगी। तो वो वहाँ पे इस वाली कंडीशन में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आप पूरे करिकुलम या अपने कंटेंट को प्रॉपर वे में पूरा इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है इसके अंदर कि आप एक कंटेंट से रिलेटेड 100-200 क्वेश्चन बना सकते हो जिसमें आपका पूरा जो करिकुलम है या कंटेंट है जिसका भी आपको इवैल्यूएशन करना है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि बच्चे की स्किल्स और जो कुशलता होती है एक अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन को, वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद इवैल्यूएशन करने में कम टाइम लगता है, मेहनत कम लगती है, क्वेश्चन बनाने में टाइम कम लगता है क्योंकि जल्दी से जल्दी हाँ अगर हम किसी चीज़ का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके पास हमारे पास पहले से ही प्री प्लान चीज़ें रहती हैं कि इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर है तो हमारे पास ऑप्शन सेलेक्टेड रहते हैं, देन हमने आंसर कीज में क्वेश्चन में चेक किया कि आपने यही वाला ऑप्शन लगाया है तो टिक करके 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। रिटर्न में क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, आपको एक एक लाइन पढ़ के देखनी पड़ती थी, विचार समझने पड़ते थे कि बच्चे ने लिखा क्या है क्या नहीं, लैंग्वेज कैसी है, मात्राओं की गलती तो नहीं है, तो वहाँ पर आप उसको
इस तरीके से इवेल्यूएट करते थे जिसमें टाइम लगता था, और ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं, सीधा ऑप्शन सेलेक्ट किया और काम खत्म वहाँ पे, इसीलिए आप उसी वे में प्रॉपर रूप से इवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों की इसके अंदर सिमरण शक्ति यानी कि मेमोरी या चिंतन या थिंकिंग चेक करी जा सकती है प्रॉपर वे में, कि बच्चा किसी चीज़ को कितना, उसकी लर्निंग पावर अच्छी है, कि वो कितना किसी चीज़ को रटने की चीज़ को छोड़कर किसी चीज़ को समझते हुए चलता है। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में, ये भी क्या है, आपने लर्न किया है ना, तो ये आपकी लर्निंग पावर यानी कि थिंकिंग पावर पे डिपेंड करती है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, ठीक है। दूसरा पूछा कि कुतुब मीनार कब बनवाया गया, उसका भी आंसर आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन अगर इसमें ये पूछा कि जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाया, तो उसका भी आंसर आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होती है, तो मेमोरी को शार्प करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसमें जो अब इसके बाद इसके डीमेरिट्स आते हैं, डीमेरिट्स में ये है कि डीमेरिट्स के अंदर एक रटन शक्ति पर तो बल दिया ही जाता है, क्योंकि मेमोरी जहाँ शार्प हो रही है उसके साथ साथ आप रट्टा भी मार रहे हैं, और इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के चार ऑप्शन मिले हुए हैं, तो आप वहाँ पे अगर आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं भी पता, तो भी आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, चलो मेरे को नहीं पता तो मैं ए लगा देता हूँ, बी लगा देता हूँ, सी कोई तो ठीक हो गई। अगर आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता, तो मान लीजिए आपने सब में बी 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 ऑप्शन पुट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि 10 में से 4 के आंसर तो बी होंगे ही, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि वहाँ पे क्या, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, लेकिन आपने वहाँ पे क्या किया, तुक्का यूज़ किया, तो आपको मार्क्स तो मिल गए, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं पता, तो वहाँ पे आपको मेमोराइज नहीं किया गया, ठीक है। और इसका एक डीमेरिट ये है कि बच्चा जो है अपना अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बच्चे के अंदर नहीं आती, कि बच्चे को ये नहीं पता होता, क्योंकि बच्चे को एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके ऑप्शन दिए जाते हैं, बस बच्चे को चूज़ करना होता है कि इसका आंसर ये है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए कि आपके थॉट्स क्या हैं उसके बारे में, आप कैसे अपने आप को वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो, या किसी चीज़ को लेके आपकी डीप थिंकिंग क्या है, या किसी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं आपके साथ वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके में ये चीज़ क्या है, डीमेरिट में आती है। उसके बाद आ गया कि बच्चे की राइटिंग पावर पर जो है फोकस नहीं किया जाता, बच्चे के भाषागत विकास पे फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या, आपको राइटिंग नहीं करनी है, आपको कैसे आंसर टिक करना है, काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको राइटिंग करनी होती थी, तो वहाँ पे आपकी राइटिंग में भी सुधार आता था। अगर किसी बच्चे की बेकार राइटिंग है, तो वो अगर इतने एग्जाम देगा, घर पर भी प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी राइटिंग में भी सुधार आ जाएगा। या सेकेंड चीज़, जब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा, एक सिस्टमेटिक वे आ जाएगा उसको लिखने का, अपनी भाषा को एक अच्छे ढंग में ढालने का ये चीज़ आ जाएगी, कि मैं अपनी भाषा को या अपनी बात को किस वे में रख सकता हूँ किसी के सामने जो बहुत अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। और उसके बाद होते हैं, मैंने बता ही दी आपको कि ऑर्गेनाइजेबिलिटी नहीं हो पाती है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, तो इसीलिए जो बच्चे की ऑर्गेनाइजेबिलिटी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। लेकिन जो ऐसे टाइप होते हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइजेबिलिटी बहुत अच्छी हो पाती है बच्चे की, क्योंकि वो सीक्वेंसली किसी चीज़ को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके बाद इसमें विश्वसनीयता के गुण के कारण जो टीचर्स और मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके सबके इवैल्यूएशन के या एक डाटा कलेक्शन का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ के जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ टाइप हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। फर्स्ट है टू ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो जो फर्स्ट टाइप है आपका वो है टू ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर हाँ नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर टू ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या आप अक्सर आकरण करते हैं, हाँ या नहीं,
क्या आप रोज योगा करते हैं, हाँ या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें क्या है एक आंसर चूज करना पड़ता है, हाँ या नहीं, ठीक है। और आपसे आपके बारे में इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपकी डेली लाइफ रिलेटेड होते हैं या आप पे फोकस करके होते हैं। इसमें हम ये नहीं पूछ सकते, इसमें हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या ताजमहल आगरा में है, हाँ या नहीं, कुतुब मीनार दिल्ली में है, हाँ या नहीं, तो वहाँ पे ये वाले भी आंसर्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे टू ऑप्शंस होते हैं सिलेक्शन में, जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, वो होते हैं आपके टू अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है। टू अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि टू अल्टरनेटिव आपके क्या आ रहे हैं, हाँ या नहीं, यस या नो वाले ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं जिसके अंदर तीन चार या पांच ऑप्शंस दिए होते हैं एक ही क्वेश्चंस के। जैसे मान लीजिए कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन ए दिल्ली, बी ऑप्शन बॉम्बे, सी ऑप्शन कलकत्ता, डी ऑप्शन देहरादून। तो आपको उन चारों में से उसको सेलेक्ट करना है कि कुतुब मीनार कहाँ है, ए ऑप्शन दिल्ली, आपने वो सेलेक्ट किया। तो एक क्वेश्चन के जब चार से पांच विकल्प दिए जाते हैं आपके सामने और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, वो होता है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल होते हैं यानी कि बहु विकल्प होते हैं, और जिसके अंदर टू होते हैं, टू विकल्प होते हैं केवल, वो होते हैं टू अल्टरनेटिव, और जिसमें बहु विकल्प होते हैं वो होते हैं आपके मल्टीपल टाइप, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, मैचिंग टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दो स्टेंजास बनाए जा सकते हैं, दो कॉलम्स या रोज बनाई जा सकती है कि कॉलम वन कॉलम टू, ठीक है। कॉलम वन के अंदर आपके साथ पूछ लिया, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए कॉलम वन कॉलम टू, ठीक है, ठीक है। जो मैचिंग टेस्ट होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि कॉलम वन होता है कॉलम टू होता है। तो कॉलम वन में आपसे जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे, जो मतलब आपके लिए क्वेश्चन होंगे वो होंगे, और कॉलम सेकंड में जो उससे रिलेटेड आंसर्स होंगे वो होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कुतुब मीनार, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ताजमहल ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके आंसर्स में क्या लिख दिया, आगरा या दिल्ली, आपको एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है कि इसका आंसर कौन सा है, कि कहाँ पर है, कुतुब मीनार कहाँ है आपने सेलेक्ट कर दिया दिल्ली में है, ताजमहल कहाँ है आपने सेलेक्ट कर दिया आगरा में है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके मैचिंग टेस्ट। उसके बाद आते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स। फिलिंग दी ब्लैंक्स किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स में डैश दिया होता है आपको, यानी कि खाली स्थान होते हैं, एक जो प्रॉपर सेंटेंस होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ उसके ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स गायब कर दिए जाते हैं, जो आपको एक अपने नॉलेज के अनुसार या आपको जो पढ़ाया गया उसके अनुसार या आपको ऑप्शन में जो चीज़ें दी गई हैं उनको सेलेक्ट करके आपको वो एक पूरा सेंटेंस मेकिंग करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख देती हूँ कि यही ले लीजिए कि कुतुब मीनार डैश स्थान पर है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ गायब कर दी कि कुतुब मीनार डैश स्थान पर है। यहाँ पे मैं ऑप्शन में दे सकती हूँ कि दिल्ली देहरादून, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है, या फिर कुछ भी नहीं दे सकती, सिर्फ ये फिलिंग दी ब्लैंक्स दे दिया आपको, जो मैंने पढ़ाया है आप उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए, कुतुब मीनार डैश स्थान पर है तो मतलब कुतुब मीनार दिल्ली स्थान पर है, ठीक है। तो आपने क्या है एक सेंटेंस को प्रॉपर कर दिया, मतलब एक सेंटेंस को पूरा एक फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल करके एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिया, ठीक है, कि कुतुब मीनार डैश में क्या भर दिया, दिल्ली स्थान पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर टाइप फिलिंग दी ब्लैंक्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये फोर टाइप्स आते हैं आपके, टू ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स जिसके अंदर आपके टू ऑप्शंस होते हैं, हाँ नहीं या येस नो वाले। मल्टीपल चॉइस में आपके चार या पांच विकल्प होते हैं, बहु विकल्प जिन्हें बोलते हैं, कि उसमें चार से पांच ऑब्जेक्टिव्स आपको दे दिए गए हैं, वो मल्टीपल चॉइस होते हैं। मैचिंग टेस्ट होते हैं जिसमें आपको कॉलम्स दिए जाते हैं, एक में क्वेश्चन और एक में आंसर्स होते हैं, आपको उन्हें मैच मेकिंग करना होता है उनके अप्रोप्रिएट आंसर्स के साथ।
फिलिंग दी ब्लैंक्स में एक सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कुछ भी चीज़ गायब कर दी जाती है उसको फिल करके आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये टू टाइप्स हमने पढ़ लिए, अब इसके बाद हम टूल्स के बारे में बात करेंगे कि टूल्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। और इस वीडियो में ये वाली चीज़ें मैंने अब आपको डीपली बता दी हैं, कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्वेरीज थी कि डीपली नहीं बताई या ये चीज़ कि ऐसे वगैरह डी मैरिट्स मैरिट्स प्रिंसिपल नहीं बताए। अब आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बात कर सकते हैं मुझसे, मुझसे कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी टीचिंग्स से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी KVS, CTET और DSSB एंड ऑल बाकी टीचिंग्स पोस्ट के लिए। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी लास्टली कि आपको जो भी PGT से रिलेटेड टेक्निकल सेशन से रिलेटेड चाहिए तो हमारे वीडियो पे लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।